देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं और कितना खूबसूरती से लगाया हुआ है। इधर जो आपको ये झरने जैसा बहता हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है, ये है यील्ड, इसको एवरग्रीन बोला जाता है। देखिए कितना खूबसूरत बिल्कुल लग रहा है। तो फ्लावर्स की और पेड़ों की काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं यहाँ पे। नीचे की तरफ आपको दिखाया कि काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी फ्लावर्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ का बना हुआ बोटैनिकल गार्डन, जो कि फ्लावर्स से बिल्कुल सजा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का बोटैनिकल गार्डन। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये, बहुत ही खूबसूरत वादियों में ये गार्डन बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे फ्लावर दिखाई देंगे, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हैं यहाँ पे। वॉकिंग के लिए काफ़ी इसमें स्पेस है, आप ऐसे देख सकते हैं। ये रोड जो जा रही है इधर से, ये वहाँ से घूमते 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 उस साइड से होते हुए ऐसे आती है ये। आई थिंक ये मेन मेन प्लेस है जिसके अंदर ये गार्डन बना हुआ। ये देखिए फाउंटेन लगे हुए हैं अंदर, और वो पीछे की तरफ देखिए कुछ पहाड़ी पे बना हुआ है कुछ। फ्लावर्स की काफी ज्यादा वैरायटी है यहाँ पे। अभी आगे से दिखाते हैं आपको कितना अच्छा कितना खूबसूरत ये पेड़ है। इधर देखिए कितने खूबसूरत बने हुए। ये रहा रेड मैपल, इसका नाम नहीं दे रखा। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं और कितना खूबसूरती से लगाया हुआ है इधर। एक ये पेड़ है, इसमें कोई फल आया हुआ है, किस चीज़ का है ये। गार्डन में बहुत वैरायटी के आपको यहाँ पे फ्लावर्स दिख जाएंगे, और के साइंटिफिक नेम और उनका फैमिली नेम सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। और ये पार्क काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दूर तक है। पार्क के चारों तरफ रोड वगैरह बहुत ही खूबसूरती से बनी हुई है। ये वो देखिए कितना अच्छा ट्री लगा हुआ है, बबूल जैसा कुछ पेड़ लग रहा है, इसका नाम तो नहीं पता मगर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये कांटे होंगे ज़रूर इसमें? अरे बिल्कुल भी कांटे नहीं है भाई, देखो है बिल्कुल भी कांटे नहीं है। अरे ये देखो एक पागल पागलपना करने लगा अपना। सबसे ज्यादा खूबसूरत हमें वो वाले पेड़ लग रहे हैं। आपको कैसे कौन सा पेड़ लग रहा है बताइएगा। जो आपको ये बिल्कुल झरने जैसा बहता हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है, ये है यील्ड, जो लोकल कश्मीरी लोग बोलते हैं इसको यील्ड बोलते हैं। और बिल्कुल देखिए कैसा बिल्कुल शहर है इधर है, बिल्कुल ये इसकी पत्तियाँ आई हुई, कितना खूबसूरत लग रहा है। अंदर नीचे देखिए, ये देखिए बिल्कुल फुलझड़ी की तरह है, बिल्कुल दिख रहा है, वाव बिल्कुल फुलझड़ी की तरह ये पेड़ है। और ये पूरा छाया हुआ है नीचे, अच्छा बैठने के लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। काफ़ी लोकल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं पेड़ हैं वो उस तरफ हैं, इसको एवरग्रीन बोला जाता है। देखिए कितना खूबसूरत बिल्कुल लग रहा है। तो फ्लावर्स की और पेड़ों की काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं यहाँ पे। इसमें भैया कोई फल आया हुआ है, ये कौन सा ये? अच्छा ये नहीं पता। 15 अप्रैल को आप आना ट्यूलिप गार्डन देखने। अच्छा 15 अप्रैल को ही आते हैं? वो चिनार नहीं है वो चिनार से लेके उस पहाड़ तक फूल होते हैं, नजर पड़ती है सीधा, मतलब एकदम मतलब मस्त साइड होती है वो। सेब का पेड़ देखो, अब सेब तोड़ने जा रहे हैं हम लोग। तोड़ो, अरे आ गया। हाँ सेब, तो ये है कश्मीर के सेब। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। नीचे की तरफ आपको दिखाया कि काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी फ्लावर्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब हम आ गए हैं इसके थोड़ा सा हाइट ऊपर आ गई है, सेकंड स्टेप बना हुआ है। एक वो देखिए सामने की तरफ थर्ड स्टेप बना हुआ है, तो ये सेकंड वाला स्टेप है। यहाँ पे आपको कैफेटेरिया, अगर वो कुछ चाय वगैरह या कुछ खाने पीने का मन हो रहा है तो वो मिल जाएगा। और साथ ही चलते हैं अब ऊपर वाले पोर्शन पे, तो दिखाते हैं वहाँ से भी आपको।
और ये देवदार के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, इधर देवदार के पेड़ लगे हुए बड़े बड़े, और वहाँ का भी कुछ डिफरेंट स्टाइल में है, फ्लावर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे भी, और चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, काफ़ी लोकल और टूरिस्ट भी यहाँ पे काफ़ी आए हुए हैं जो बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, इसको बोटैनिकल गार्डन बोलते हैं। ये स्टेप बने हुए हैं और यहाँ पे आपको सामने जैसे ही आएंगे आपको काफ़ी गुलाब की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये मोरपंखी हम लोग इसको बोलते हैं यहाँ पे। फिर अगेन खूबसूरत से पेड़ और काफ़ी अच्छी खूबसूरत, तो पीछे की पहाड़ियाँ देखिए कितनी अच्छी कितनी खूबसूरत हैं। और ये ऐसे ही आप चलते चले जाएंगे तो ये काफ़ी पीछे तक ये पार्क बना हुआ है, ऐसे घूमते हुए काफ़ी ज़्यादा इसकी एरिया काफ़ी ज़्यादा इसमें कवर होता है। ये पार्क काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। ये मेरे पीछे जो आपको माउंटेंस दिख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत माउंटेंस है, पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है। यहाँ पे देखिए आप गुलाब की बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको दिखाई देगी। विंटर्स में यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है, मार्च के महीने में ये पूरा गार्डन जो है ये फूलों से भरा रहता है, काफ़ी बहुत वैरायटी के जो फ्लावर्स होते हैं पूरा गार्डन फूलों से भर जाता है ये। चलिए फिर यहाँ से चलते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी के आपको यहाँ पे फ्लावर्स दिखाई देंगे। साथ ही अगर जो आप यहाँ के लोकल पोशाक में अगर जो आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो यहाँ ड्रेस वगैरह मिल जाती हैं और आप उसको पहन करके यहाँ के लोकल वाशिंदों की तरह आप फ़ोटो भी बिल्कुल उन्हीं के पोशाक में खिंचा सकते हैं। बाकी यहाँ का आप बहुत टाइम दे दिया है क्योंकि यहाँ आए हुए 4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला, अब सीधा यहाँ से चलते हैं वापस। इतनी अच्छी जगह है, 4 घंटे का पता नहीं लगा, पता ही नहीं लगा यहाँ कहीं हो, यहीं पे सिर्फ 4 घंटे इसी में हो गए। हाँ। जी तो लोगों को आश्चर्य हो गया कि 4 घंटे, अरे उनके लिए कुछ नहीं हम लोगों के लिए बहुत है। आप ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।